सो गाइस, जिस तरीके से पठान मूवी की हाइप बनी हुई है उस तरीके से 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर सुनामी यानी कि बहुत ही बड़ी बाढ़ आने जा रही है। जंग आए तो आप बुक माई शो पर भी देख सकते हो आज की पूरी करंटली अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस कि लगभग 309K यानी कि 309.9 यानी कि इंटरेस्ट लोग यानी कि सीधे सीधे बात कर ले तो लगभग 3 लाख जंग आए 3,10,000 लोग इस मूवी को देखने के लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं। जी हां गाइस, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो आप लोगों को पता है कि 50,000 फैंस पहले दिन पहले शो को देखेंगे तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी तो आनी ही आनी है। जी हां गाइस, ऐसा बॉलीवुड में पहली बार हो रहा है कि हमने तो पहली बार देखा बुक माई शो पर कि बॉलीवुड की कोई मूवी इतनी फास्ट यानी कि 300K पे गई हो। जी हां गाइस, बहुत ही जल्दी ये मूवी यानी कि जब तक ये मूवी की रिलीज डेट बहुत ही ज़्यादा पास आएगी तो ये क्या पता 500K भी हो जाए। जी हाँ गाइस, ऐसा हमने सिर्फ और सिर्फ साउथ की मूवियों में देखा या फिर कोई ना वर्ल्ड आर्टिस्ट की मूवियों में देखा यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मूवियों में यानी कि इंडिया से बाहर की मूवियों में। तो आज पहली बार ये अंदाज़ा या नज़र आ रहा है कि बॉलीवुड में भी दम है यानी कि शाहरुख खान ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ गाइस, शाहरुख खान को किंग इसलिए नहीं बोला जाता कि इस ऐसा छोटा मोटा नाम है। जी हाँ गाइस, किंग मिस राजा यानी कि इंडिया का राजा यानी कि बॉलीवुड के राजा शाहरुख खान को माना जाता है। जी हाँ गाइस, इसलिए ये धमाकेदार इंटरेस्टिंग शो यानी कि उनके फैंस के लिए दोबारा क्रिएट किया गया और बहुत बड़ा धमाका बहुत बड़ी सुनामी 25 जनवरी को आनी तय है। तो बॉयकॉट गैंग भी पूरी तरीके पूरे सदमे में है। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये क्या अवतार लेगी, पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, क्या आपने पहली बार ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री की क्या 50 करोड़ हाईएस्ट मूवी कर सकती है।